अरे वाह, देखो कितना लाजवाब पुलाव बनाया मैंने। बिखरे बिखरे चावल, माशाल्लाह। ये सिर्फ तुम दोनों के लिए बनाया है। आपका शुक्रिया बाबा जान। शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरी बच्ची। हाँ ये लो प्रोटीन, तुम भी लो, इतना काफी है। बस कर दे बाबा, मैं इतना नहीं खाऊंगी। तुम लोग अभी बड़े हो रहे हो। अब बड़ी हो चुकी हूं मैं, मजीद बढ़ने का वक्त अब गुजर चुका है। सही कहा बहार, सही कहा। लेकिन तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो पीछे पीछे आती थी, बाबा जान कहते हुए। मेरी बच्चियों, मैंने सब तरफ अप्लाई कर दिया है काम के लिए। बहुत जल्द तुम एक्शन में देखोगी बाबा को। बैठ के इस तरह इंतजार मत करें। अगर मैं आपकी जगह होती तो दुकानें छान मारती नौकरी के लिए। देखो, दुकान दुकान घूमने के लिए अब मुझमें इतनी ताकत नहीं रही। बहुत जल्द थक जाता हूं मैं। मुझे तो घुटन सी होने लगती है, सीने में जरा घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में भी तकलीफ है। तो क्या आप दिल के मरीज हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन थकन हो जाती है, बुढ़ापा जो आ गया है मुझ पर। तुम्हारा बाबा जवान दिखता है बस, लेकिन बुढ़ापा है ना, एक पांव कब्र में लटका है। तौबा कीजिए बाबा, ऐसी बातें मत करें। नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, वैसे भी हम लोग मरने वरने की बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं हम लोग। मैंने तरबूज काट के रखा था, रुको जरा, मीठा खाएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे। आपा मसाला क्या है आपको? आप क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं हमेशा? तुम बीच में मत बोलो। अगर उन्हें हमारे साथ रहना है तो इस तरह नहीं बैठ सकते, काम करना होगा उन्हें। एक और बात, ये लो, ये कल मकान मालिक को दे आना, संभाल के रखना ये। ठीक है। बानो, किस बात का इंतजार है, उठा के रखो। आपा किस बात की जल्दी है आपको? मैं ये नहीं चाहती बाबा को मालूम हो, अब रख कर आओ इसे। आपा उन पर भरोसा करें, क्या वो हमारा पैसा चुराएंगे? बाबा है वो। बानो, जो कहा है वो करो तुम, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, ऐसे ही है वो। मेरी बच्चियों, तुम्हारे बाबा जो तरबूज लेकर आए, आज से पहले इतना मीठा तरबूज तुमने नहीं खाया होगा। ये देखो। बानो, बानो सो रही हो बेटा? बानो, बेटा